हमारे साथी वहाँ पर एशियन गेम्स में अच्छा कर रहे हैं. जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते, बजरंग पूनिया हैं, विनेश हैं, लक्ष्य शेरोन हैं, अभी सौरभ हैं, ये सारे के सारे खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत हमने इनको पहले से चुना हुआ था और हर तरह की ट्रेनिंग, कोचेस, विदेश में ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स साइंस की मदद हो, सब उनको मुहैया कराई जा रही थी. लेकिन फिर भी अपना विश्वास जो उन्होंने जगाया अपनी ट्रेनिंग से और उसको वो पूरा कर पाए, उसके लिए मैं इन सभी को बधाई देता हूँ. प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक भारत में खेलों के प्रति एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति वो लेकर आए खेलो इंडिया शुरू करके. और ओलंपिक टास्क फोर्स भी उन्होंने लगाई कि हर साल, हर बार जब ओलंपिक्स होते हैं तो हम एक दो महीने कोसते हैं कि देश कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं. हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 2024 और 28 ओलंपिक्स की तैयारी आज से हो, और तभी ये युवा खिलाड़ी हैं, इनको हर तरह की ट्रेनिंग सुविधा मिल रही है. एक नया विश्वास है भारत के हर नौजवान में. जिस तरह का माहौल आज देश में है वो इस विश्वास को और मजबूत करता है कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं. एक कॉन्फिडेंस से आता है.